आप देख रहे हैं चौहान वीडियो। तो और आज की वीडियो में हम बात करेंगे पांच नई नोटिफिकेशन के बारे में। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे असाइनमेंट के रिजल्ट के बारे में। काफी सारे स्टूडेंट जिन्होंने जून 2021 के लिए अपने असाइनमेंट को सबमिट किया है, वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उनके असाइनमेंट के रिजल्ट की अपडेट्स कब से आना शुरू होंगी और उनका रिजल्ट कब तक ग्रेड कार्ड में अपडेट कर दिया जाएगा। तो असाइनमेंट का रिजल्ट जो होता है वो लगभग पूरे साल ही रिलीज किया जाता है, यानी कि आपको हर वीक आपको असाइनमेंट के रिजल्ट की अपडेट देखने को मिलती है। जिन स्टूडेंट ने जून 2020 में अपने असाइनमेंट सबमिट किए थे या फिर दिसंबर 2020 में अपने असाइनमेंट सबमिट किए थे, वो अभी भी अपनी अपडेट्स का इंतजार करते रहते हैं, यानी कि जो रिजल्ट है वो लगातार अपडेट होता रहता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका जल्दी अपडेट कर दिया जाता है रिजल्ट, और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा इंतजार करना पड़ता है अपने रिजल्ट का। लेकिन असाइनमेंट रिजल्ट जो है आपका, उसकी जब एग्ज़ाम का रिजल्ट होता है उसकी अपडेट के साथ ही आपका असाइनमेंट का रिजल्ट अपडेट होना शुरू हो जाता है। इस समय जो जून 2021 है उसके एग्ज़ाम अगस्त में होने वाले हैं, और इस समय अगस्त में जो एग्ज़ाम होंगे उनका रिजल्ट का फॉर्मेट में भी थोड़ा सा चेंज किया गया है पिछले साल से, कि अब रिजल्ट जो होता है वो उसी समय ही अपडेट कर दिया जाता है जिस समय एग्ज़ाम चल रहे होते हैं। पहले ऐसा होता था कि 45 दिन बाद आपका रिजल्ट का पहली अपडेट आती थी, लेकिन अब है ऐसा कि जब आपका एग्ज़ाम चल रहे होते हैं उसी के लास्ट के कुछ दिनों में, लास्ट वीक में आपका रिजल्ट की पहली अपडेट रिलीज़ कर दी जाती है। तो इसलिए आपकी असाइनमेंट के रिजल्ट की अपडेट भी तभी रिलीज़ की जाएगी, यानी कि अगस्त के लास्ट वीक से आपके असाइनमेंट रिजल्ट की अपडेट आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि पूरी तरीके से आपका असाइनमेंट रिजल्ट अपडेट होने में 1 महीने का भी समय लग जाता है, 2 महीने का भी, 3 महीने का भी, और कई बार 6 महीने तक का भी समय लग जाता है, क्योंकि अपडेट्स लगातार रिलीज़ की जाती रहती है। लेकिन पहली अपडेट जो जून एग्ज़ाम की आएगी, जून एग्ज़ाम के रिजल्ट की, असाइनमेंट की रिजल्ट की अपडेट आएगी, वो आपकी अगस्त से आना शुरू होगी। एवेलुएशन के रिजल्ट की एक और अपडेट जारी कर दी गई है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 20 जुलाई 2021 तक स्टेटस अपडेट कर दिया गया। अगर आपने रिएवेल्यूशन का फॉर्म भरा था तो आप एक बार अपना रिजल्ट जरूर चेक करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दिसंबर एग्जाम रिजल्ट की भी एक और अपडेट जारी कर दी गई है, स्टेटस एज ऑन 20 जुलाई 2021, यानी कि 20 जुलाई तक भी आपका स्टेटस अपडेट कर दिया गया है। अगर आपका अभी तक किसी सब्जेक्ट का रिजल्ट नहीं आया तो आप एक बार चेक कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपके ग्रेड कार्ड की भी एक और अपडेट जारी की गई है, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं कि करंट ग्रेड कार्ड स्टेटस एज ऑन 20 जुलाई 2021, यानी कि 20 जुलाई तक आपका ग्रेड कार्ड अपडेट किया जा चुका है। 20 जुलाई तक अगर आपका असाइनमेंट का रिजल्ट आया था, आपका थ्योरी का रिजल्ट आया था, दिसंबर एग्जाम का रिजल्ट आया था या फिर रिएवोल्यूशन का रिजल्ट आया था, तो आप एक बार अपना ग्रेड कार्ड जरूर चेक कीजिए कि आपका उसमें कितने सब्जेक्ट का अपडेट हुआ है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दिल्ली रीजनल सेंटर 3 के स्टूडेंट के लिए BPCL 8 और BPCE 22 का ऑनलाइन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का शेड्यूल और लिस्ट जारी की गई है। तो BA साइकोलॉजी के जो भी स्टूडेंट दिल्ली रीजनल सेंटर 3 के हैं वो इसको जरूर डाउनलोड करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए।